मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को फिलिपाइन की सैर करवाऊंगा और फिलिपाइन से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपके इल्म में यकीनी तौर पर इजाफा और समझदारों को एक सबक मिलेगा। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को जानी टीवी में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना एक नई वीडियो मिलती रहे। 7,107 जजीरों पर मुश्तमल ये मुल्क फिलिपाइन जजीरों के मिलाप से बनने वाले ममालक में दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है जो 17,000 से भी ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है। अगर हम फिलिपाइन के रकबे की बात करें तो फिलिपाइन 3,00,000 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया भर में 72वें नंबर पर शुमार होता है। फिलिपाइन में 2017 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक 10.5 करोड़ अफराद रहायश पजीर हैं और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 12वें नंबर पर शुमार होता है। फिलिपाइन की 92% आबादी क्रिश्चन है। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है जो फिलिपाइन की आबादी का तकरीबन 6% के करीब है। बाकी 2% दीगर मजहब के मानने वाले हैं। इस जजीरे पर 1521 में एक स्पेनिश बशिंदे ने पहली बार कदम रखा और इसकी खोज लगाई। क्योंकि इसे एक स्पेनिश बशिंदे ने पहली बार देखा था तो स्पेन ने इस जगह को अपनी मलकियत करार दिया। डी वलाला बोस स्पेन का ही एक बशिंदा था जिसने किंग फिलिप दोम के नाम से इस जजीरे का नाम फिलिपाइन रखा था। आने वाली 3 सदियों तक फिलिपाइन को स्पेनिश की एक कॉलोनी के तौर पर स्पेन के कब्जा में रखा गया। 1898 में अमेरिका और स्पेन के दरमियान होने वाली जंग के नतीजे में अमेरिका ने फिलिपाइन को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी जंग अजीम के शुरू में जापान ने फिलिपाइन पर चढ़ाई शुरू कर दी और बेशतर हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसे अमेरिकन फौज ने 1944 में दोबारा आज़ाद करवा लिया। आज़ादी की आवाज़ तो पिछली 2 दहाइयों से बुलंद थी, मगर जापान से दोबारा अमेरिका के कब्जा के बाद इस आवाज़ ने जोर पकड़ा और 4 जुलाई 1946 को फिलिपाइन के लोगों ने अपने आप को एक आज़ाद मुल्क का शहरी होने का एज़ाज़ दिलवाया। फिलिपाइन जनूबी एशिया में मौजूद सबसे पहला आज़ादी पाने वाला मुल्क है। 1947 में फिलिपाइन ने अमेरिका से होने वाले 99 साल मुआहदे के तहत अमेरिका को फिलिपाइन में 23 फौजी हवाई अड्डे कायम करने की इजाज़त दी, जो अमेरिका ने आने वाले वक्तों में किसी भी जंग में इस्तेमाल की खातर अपने लिए महफूज कर लिए। फिलिपाइन के बारे में अगर दिलचस्प हकाई की बात की जाए तो मनीला शहर फिलिपाइन का दारुल हुकूमत है। 38.5 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर अपने अंदर तकरीबन 17,00,000 अफराद को समोए हुए है। ये शहर दुनिया के गंजान आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। फिलिपिनो और अंग्रेजी फिलिपाइन की कौमी जुबानें हैं। फिलिपाइन पर कई कौमों का रंग चढ़ा हुआ है जिनमें स्पेनिश, अमरीकी, चीनी और मलेशियन काबिल जिक्र हैं। यही वजह है कि फिलिपाइन में मुख्तलिफ कौमों और कबीलों की मौजूदगी से बोली जाने वाली जुबानों की तादाद 184 से भी ज़्यादा है। फिलिपाइनी पैसो फिलिपाइन में चलने वाली करेंसी को कहा जाता है। एक फिलिपाइनी पैसो पाकिस्तानी 2.10 रुपयों के बराबर है। फिलिपाइन का कॉलिंग कोड +63 है। फिलिपाइन वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। फिलिपाइन में तालीम की शरह 96% के करीब है, जबकि फिलिपाइन में 607 सरकारी और 1573 प्राइवेट तालीमी अदारे काम कर रहे हैं। फिलिपाइन में बच्चे को 6 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है। मुसलमानों, चीनियों और क्रिश्चन के तमाम मजहबी त्यौहार पर फिलिपाइन के स्कूलों में छुट्टी होती है। फिलिपाइन
एशिया में सबसे ज्यादा तादाद में क्रिश्चियन लोगों का हामल मुल्क है, इसीलिए फिलिपाइन में क्रिसमस का त्यौहार भी सबसे लंबा मनाया जाता है, जो कि सितंबर से लेकर जनवरी तक जारी रहता है। बास्केटबॉल फिलिपाइन में सबसे ज्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेल है, जबकि दीगर शौक से खेली जाने वाली खेलों में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कराटे और दीगर खेलें शामिल हैं। फिलिपाइन के बारे में मशहूर है कि जब फिलिपाइन के कराटों के मैच टीवी पर दिखाए जाते हैं तो फिलिपाइनी अवाम इस कदर शौक से टीवी देखती है कि शहरों में जराइम की शरह 0% तक पहुंच जाती है। फिलिपाइन के बारे में वो लोग अभी तक तजस्सुस का शिकार होंगे जिनको उनकी मनपसंद मालूमात अभी तक नहीं मिली हैं। चलिए आपको वो तमाम बातें बताते हैं जिसके बाद हो सकता है कि आपके जहन में कुछ तब्दीली वाकई हो। फिलिपाइन की लड़कियों के बारे में मशहूर है कि वो चंद पैसों की खातर किसी भी काले, गोरे या सांवरे शख्स की महबूबा बनने के लिए राजी हो जाती है। फिलिपाइन की लड़कियां दीगर ममालक में होटलों, मसाज सेंटरों और दीगर ऐसे काले धंधों में मुलव्वस पाई जाती हैं, जहां पर लोग सिर्फ जिस्मानी तस्कीन हासिल करने के लिए आते हैं। फिलिपाइन को दुनिया भर में सबसे ज्यादा मैसेज करने वाला मुल्क भी कहा जाता है। एक दिन में तकरीबन 450 मिलियन SMS फिलिपाइन से दीगर ममालक को भेजे जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा SMS मसूल करने वाले ममालक में यूरोपियन और US कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन एक तादाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालक को भी भेजी जाती है। अगर आप फेसबुक पर नई ID बनाकर किसी फिलिपाइनी लड़के को अपना दोस्त बनाते हैं तो आने वाले 24 घंटों में आपको दर्जन बार फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ कई हसीनाओं के SMS मौसूल होंगे। कुछ ही लम्हों में दोस्ती होने के बाद आपको आपकी नई बनने वाली महबूबा की तरफ से उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर या एक अदद कॉल मौसूल होगी, जो किसी भी मनचले को बहकाने के लिए काफ़ी होती है। उसके बाद SMS और कॉल्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो मुस्तकबिल करीब में इस वजह पर ख़त्म होता है कि जब आपको एक फिलिपाइनी लड़की की तरफ से दुख भरी दास्तान सुनने को मिलती है, जिसका साफ साफ मकसद उसे पैसों की ज़रूरत होता है, या फिर एक वजह यह भी बनती है कि आपका दोस्त ही आपको एक खुशखबरी सुनाता है कि मेरी एक फिलिपाइनी लड़की से नई नई दोस्ती कायम हुई है। लड़की का नाम सुनते ही आप और उस लड़की की दोस्ती कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अगर हम यूं कहें कि एक फिलिपाइनी लड़की के हिस्से में औसतन 3 बॉयफ्रेंड्स आते हैं तो ये कहना भी बेजाना होगा। हमारी वीडियोस को लोग बड़े शौक से देखते हैं और अक्सर अपनी फैमिलीज के साथ देखते हैं। इसी तरह की बातें करना हमें शोभा नहीं देता, मगर हम इन लोगों में शऊर पैदा करना चाहते हैं जो इन टके टके पर बिकने वाली लड़कियों की बातों में आकर अपनी आमदनी का एक हिस्सा इन पर खर्च करते हैं और अपने घर बार को बर्बाद कर लेते हैं। अपना वक्त ज़ाया किए फिलिपाइन के बारे में कुछ मज़ीद जानते हैं। फिलिपाइन दुनिया में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसके झंडे में आपको नीला रंग ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन जंग के दौरान नीले रंग को नीचे कर दिया जाता है और सुर्ख रंग को ऊपर कर दिया जाता है। फिलिपाइन में नई नस्ल के जानवरों की तादाद दूसरे ममालक से ज़्यादा पाई जाती है। दुनिया का सबसे छोटा हरन 40 से 45 सेंटीमीटर की जिसामत रखने वाला ये जानवर भी फिलिपाइन में ही पाया जाता है। जहां पर दीगर ममालक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फिलिपाइन की शहरियत के तलबगार नज़र आते हैं, वहीं पर फिलिपाइन की नौजवान नस्ल यूरोपी ममालक की तरफ रुख किए हुए है। तकरीबन 1,20,00,000 से ज़्यादा फिलिपाइनी लड़के और लड़कियाँ दीगर ममालक में काम के सिलसिले में गए हुए हैं। फिलिपाइन की शहरियत के मुतालिक आपको बता दूं कि फिलिपाइन में शहरियत गैर शादीशुदा अफराद को 10 साल फिलिपाइन में रहाइश रखने के बाद हासिल होती है। इसके लिए भी 2 शराइत का होना लाजिम है। नंबर 1, आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो। नंबर 2, आपके पास फिलिपाइनी 5 से 10 हज़ार या इनसे ज़्यादा रकम या उसके मतवाजी कोई प्रॉपर्टी हो। अगर आप फिलिपाइन में जाकर शादी करते हैं तो ये अरसा 10 साल से कम होकर
5 साल तक आ जाता है। फिलिपाइन की शहरियत से पहले आपसे ये अहद भी लिया जाता है कि आप फिलिपाइन के अलावा अपने पहले देश की शहरियत को तर्क कर देंगे। फिलिपाइन को अगर हम नक्शे पर देखें तो फिलिपाइन के मशरिक में फिलिपाइन सी, मगरिब में साउथ चाइना सी, शमाल में ताइवान और जजीरा बोर्नियो, जबकि जनूब में सैलिबस सी मौजूद है। फिलिपाइन की नर्सें दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में अपने फ़राइज सर अंजाम दे रही हैं। पूरी दुनिया की नर्सों में 25% तादाद फिलिपाइन की नर्सों की है। दुनिया के 10 बड़े शॉपिंग मॉल्स में से 3 बड़े शॉपिंग मॉल्स फिलिपाइन में ही मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फिलिपाइन की 26% आबादी शदीद गुर्बत का शिकार है। ये वो इलाके हैं जिनमें ज़्यादा तादाद मुसलमानों की पाई जाती है। इन लोगों का पिछले सालों से एहतजाज जारी है कि उन्हें आज़ादी दी जाए। इसी वजह के पेश नज़र इन इलाकों में ना तो ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं और ना ही इन इलाकों में तालीम की आला सहूलियात मैसर हैं कि वहाँ के लोग पढ़ लिख कर इस काबल हो सकें कि अपने जजीरों को संवार सकें। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट की पैदावार फिलिपाइन में ही होती है। फिलिपाइन अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कोकोनट की एक्सपोर्ट से हासिल करता है। दुनिया के किसी भी मुल्क की निस्बत फिलिपाइन में तूफान ज़्यादा आते हैं, मगर इसके बावजूद फिलिपाइन कुदरती ज़खायर से माला माल है। पेट्रोलियम मसनूआत, कापर और फलों के अलावा फिलिपाइन इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया और गारमेंट से अपनी आमदनी में इजाफा करता है। तकरीबन 50 से 60 लाख सयाह एक साल में फिलिपाइन का रुख करते हैं। फिलिपाइन अपने मुल्क की 10% आमदनी इन्हीं सयाहों की मद में जमा करता है। फिलिपाइन से हर साल 3 लाख से ज़ायद लड़कियों को, जिनकी उम्र 15 से 20 साल होती है या बाज़ 11 साल की भी होती हैं, इनको स्मगल किया जाता है और फिर दूसरे ममालक में ठेकेदार इनसे गलत काम की मद में हज़ारों डॉलर कमाते हैं। बाज फिलिपाइन का कौमी परिंदा है। फिलिपाइन के इस कौमी परिंदे की तादाद अब कम होकर सिर्फ 500 के करीब रह गई है। पाकिस्तान की तरह चंबेली का फूल भी फिलिपाइन का कौमी फूल है। कोबरा सांपों की एक बड़ी तादाद इंडोनेशिया की तरह फिलिपाइन में भी पाई जाती है। दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाली अमरीकी फ़ौज की जीपें, जो आज़ादी के बाद वो यहीं छोड़ गए थे, आज भी मुसाफिरों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। किराबा यहाँ का कौमी जानवर है, जिसे हम भैंस कहते हैं। फिलिपाइन में इसे खेतीबाड़ी और बैलगाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये थी फिलिपाइन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो। अगर इस वीडियो से आप लोगों के इल्म में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूं। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।